रीवा ईशान को प्यार तो करती है, लेकिन वो अपने सपने को छोड़कर शादी नहीं कर सकती। और यही चीज़ सवी के साथ हो रही है। सवी भी अपने सपने को प्यार करती है और सपने को छोड़ वो समृद्ध से शादी नहीं करना चाहती। ये दोनों ही एक ही कश्ती में सवार हैं, लेकिन अब जिस तरीके से रीवा ने लंदन जाकर आगे पढ़ने का फैसला लिया, ईशान इस बात से थोड़ा आहत है। उसे लगा कि शायद रीवा आगे चलकर जॉब नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ाई के लिए जाएगी। लेकिन यहाँ रीवा उसे साफ साफ बताती नज़र आती है कि उसका इरादा आगे जाकर बाहर पढ़ने का और काम करने का है, और अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब वो काम ज़रूर करेगी। ये सारी बातें सुनकर अपनी शादी जो है वो तोड़ बैठा है ईशान। वहीं दूसरी तरफ सवी जो है वो ईशान के पास आती है और कहती है कि मैं आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर रहूँगी, जिस पर ईशान कहता है कि मैं तुम्हें एडमिशन क्यों दूँ। इन सारे ट्रैक को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं कि देखने को मिलेगा कि जब ईशान रीवा से शादी तोड़ देगा और शादी के लिए मना कर देगा, तब टूटी रीवा पहुँचेगी ईशा के पास। वो सवी की मदद लेगी ईशा से मिलने के लिए, क्योंकि वो जानती है कि जब डिबेट कंपटीशन में सवी आई थी तो उसके साथ ईशा भी थी। उसने वो सारी तस्वीरें न्यूज़पेपर में देखी हैं जब इन सभी की तस्वीरें छपी थी, और तभी जो है पहचान गई थी रीवा ईशा को। और अब रीवा जो है वो पहुंची है ईशा के पास और उससे उसने रिक्वेस्ट की है कि वो अपने बेटे को समझाए कि वो शादी ना तोड़े। काम करने का मतलब ये नहीं कि औरत परिवार नहीं संभाल सकती, और काम करने का मतलब ये नहीं कि औरत अपने बच्चे को अकेला छोड़ देगी और परिवार को छोड़ देगी। तो ईशान ये जो सारी बातें सोचता है, दरअसल उसकी ज़िंदगी में ईशा जो है, जो उसकी माँ है, वो उसे छोड़कर चली गई होती है, और इसीलिए ईशान के मन में इतनी कड़वाहट है। पर अब रीवा को अगर सहारा है तो सिर्फ और सिर्फ ईशा का। आपको लगता है कि ईशा रीवा और ईशान को एक कर पाएगी, या फिर वो सवी और ईशान की शादी करवाएगी? आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं।